अस्सलाम वालेकुम जी माय यूट्यूब फैमिली। सो वंस अगेन जी मैं हूं कशान आपके साथ, और जैसा कि आप देख रहे हैं जी आज मैं बढ़िया जैकटा शक्टा पहनिया नहीं सर, तो जर्सी पहनी है, ठंड है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, और अचानक प्रोग्राम बना है जी शॉपिंग जाने का, तो शॉपिंग सेंटर हमारे रेस्टोरेंट के बिल्कुल पास ही है, तो हर मौसम पर रेस्टोरेंट जैसे मैंने आपको बताया ये बोर्ड खड़ी है पास। तो आज जी दोस्त ने कहीं जाना था आउट ऑफ कंट्री, तो उसने अपने भांजे भतीजों के लिए कपड़े लेने, और मैंने कहा चले हम भी अपने बच्चों के लिए कपड़े ले लेते हैं याम और सैन के लिए, तो हमने कहा चले जी शॉपिंग कर लेता हूँ, देखता हूँ जो है क्या मिलता है यहाँ पर, क्या अवेलेबल है, और काम शाम तो आज वैसे स्लो है, तो मैंने कहा चले यार सैर सपाटा हो जाए, तो आपको भी दिखाते हैं यहाँ के शॉपिंग, और समुंदर के साथ साथ समुंदर के अंदर वाला शॉपिंग सेंटर, ये बिल्कुल समुंदर के अंदर बना हुआ शॉपिंग सेंटर, ये आपको दिखाते हैं जी। ये है जी पोर्ट, और ये बिल्कुल समुंदर के दरमियान में है जी शॉपिंग सेंटर, ये है यहाँ का सिनेमा, और यहाँ पर सारी लेफ्ट साइड पे भी बोर्ड्स हैं और राइट साइड पे भी बोर्ड्स हैं, और सामने भी समुंदर है, और दरमियान में सिर्फ ये रास्ता जाता है खुश्की से समुंदर के अंदर जहाँ पर शॉपिंग सेंटर है, तो ये रोड है सिर्फ जो इसको टच करता है शॉपिंग सेंटर को, तो जी आपको चल के दिखाते हैं क्या हो रहा है वहाँ पर, आवाम तो काफ़ी आ रही है। ये है जी शॉपिंग सेंटर मारे मैग्नम, और जी परिंदे बड़े उड़ रहे हैं आजकल, और सामने देख रहे सामने देखा बोर्ड से लगी बोर्ड है सारा, और ये जी बच्चों के झूले ज़बरदस्त, पता नहीं मैं अपना मास्क लेके आया हूँ कि नहीं लेके आया, पहले मुझे मास्क ढूंढना पड़ना अंदर जाने के लिए, तो पहले मैं अपना देखता हूँ मास्क, और ये मेरी फेवरेट आइसक्रीम प्लेस आ गई, तो ये आई शूज़ की शॉप्स, कपड़ों की शॉप्स बहुत ज़्यादा अच्छे ब्रांड हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे ही बने हुए हैं, इतना बिजी नहीं है आज, नॉर्मल नॉर्मल से ही लोग हैं, और मैं भी आजकल बड़े दिनों बाद इस शॉपिंग सेंटर आए हैं, टाइम ही नहीं लगता निकलने का ना आजकल, और ये जी बड़ी मिनी से पैंट लगी है कि ये इवन के यहाँ को भी नहीं आनी, उन्होंने परफ्यूमों का हमने वादा किया हुआ है जब हम जाएंगे तो परफ्यूम देखेंगे, कॉस्मेटिक शॉप है, कुर्सियाँ पाउडर एंड मच मोर। ये आगे जी बच्चों के खिलौने की दुकान है, और यहाँ से यह कि तो इतनी बड़ी शॉप नहीं है ये, लेकिन इधर इस जगह पे एक ही है शॉप, फिर बच्चों के खिलौने वगैरह मिलते हैं यहाँ पर, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इन्होंने इंटरेस्ट के अंदर अंडर फ्लोर जो है इन्होंने गाड़ियाँ लगाई हैं सारी ने। आप गाड़ी रेंट पे ले सकते हैं, फरारी 70 यूरो, और जी लैम्बोर्गिनी भी 70 यूरो, पोर्चे मसराती फरारी लैम्बोर्गिनी 70 यूरो, 150 यूरो में आप गाड़ी लेके शौकियाँ मार सकते हैं यहाँ पे, और ये जी बच्चे फ्री की गड्डियाँ चलाई जा रहे हैं 3D में, तो ये है जी यहाँ का शॉपिंग सेंटर Formula 1 GT, और अब हम जाते हैं ऊपर, ये परफ्यूम ले लिया है अपने लिए, और ये हैं छोटी छोटी पिंस बच्चों की, और ब्रेसलेट्स वगैरह, शॉपिंग कंटिन्यू है जी, अभी ये बच्चों के हैं यहाँ पर छोटे छोटे बालू, और काफ़ी सारी चीज़ें छोटी छोटी, लेडी शॉपिंग हो गई हमारी पूरी, और अब हमारी तैयारी है वापस जाने की, और अभी इफ्तारी का टाइम हो गया है तो ऑलमोस्ट, तो जाके इफ्तारी भी करनी है, तो ये मैं लेके चलता हूँ आपको वापस।
और जी यहाँ से व्यू बड़ा खूबसूरत है, यहाँ से बाहर का बोट्स और शिप्स और सी व्यू, रूफ, ये बिल्कुल रूफ टॉप के ऊपर से। तो मैं अभी आपको बाहर जाकर दिखाता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त व्यू है यहाँ से। ये देखिए जी, यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा ये डब्ल्यू होटल, और ये हमारा पोर्ट है, मेन एंट्रेंस है यहाँ से बार्सिलोना पोर्ट के अंदर एंटर होने की। ये मॉल ऑफ स्पेन बना हुआ है, मॉल ऑफ बार्सिलोना, और बहुत ही खूबसूरत जनाब यहाँ से व्यू है, बड़े प्यारे नज़ारे हैं। अब फ्लाइट टाइम हो गया है, अपना सब अपना बहुत ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें, मैं भी हम भी आपको याद रखेंगे इंशाल्लाह जी। मोटरसाइकिल पे आ गए हैं, हल्ला करेगा कल, मोटरसाइकिल से गाड़ी पे भी आ जाएगी।